आई एम संजय कुमार टेकिंग दिस क्लास इन MCA फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ रविशंकर यूनिवर्सिटी विच इज ए नैक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी. आई विल टीच अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स टूडे. बिफोर दैट, बिफोर वी गो अहेड, लेट अस इंट्रोड्यूस आवर स्टूडेंट्स. दिस क्लास इज गोइंग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन इन हाइब्रिड मोड. सो फ्यू फैकल्टी मेंबर्स आर सिटिंग ओवर हियर, प्लीज शो देयर. धर्मपाल, दीपक, मुकेश, एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम फ्यू स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड. स्टूडेंट्स प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो. अंकित, हाँ, गुड इवनिंग सर. ओके हिमांश. आई एम अंकित शर्मा फ्रॉम MCA फर्स्ट सेमेस्टर. ओके हिमांशा, हिमांशा हाँ, वीडियो ऑन करिए. हाँ, इंट्रोड्यूस करिए अपने को. सर, मेरा नाम हिमांशा नायक है. ओके. मैं अभी ये फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ यही यूनिवर्सिटी में. ओके. और पहले मैं डिग्री गर्ल्स से BSc PCM में करके आई हूँ. ठीक. ओके, थैंक यू. अंकित, तुम भी वीडियो में ऑन करो. यस सर. अंकित, वीडियो. हाँ, थैंक यू. यस सर. हाँ, गुड इवनिंग सर. सर, आई एम अंकित शर्मा फ्रॉम MCA फर्स्ट सेमेस्टर SS इन कंप्यूटर साइंस एंड IT. और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम साइंस कॉलेज दूर. ओके, सुधांशु. थैंक यू. सुधांशु, टर्न ऑन योर वीडियो. यस, इंट्रोड्यूस करो. नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, एनीवे ऐसे ही बताओ अपना नाम. ओके, गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. आई एम सुधांशु सेकंड सेना फ्रॉम MCA फर्स्ट सेमेस्टर. ओके, थैंक यू. दिस क्लास वी आर टेकिंग ऑन स्मार्ट बोर्ड. कर दो ये. ये. So my screen is visible to you. Screen is shared to the students. Screen दिख रहा है? Screen दिख रहा है? Yes sir. Yes. Yes. Yes sir. So today on. Sorry. Today I will teach computer fundamental. In computer fundamental, I will cover on two aspects: block diagram of a computer and second, memory. Okay.
यस सर। तो लेट अस सी, लेट अस सी अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। तो इट इज लाइक दिस दैट यू नो देयर इज वन इनपुट डिवाइस, देयर इज सीपीयू, एंड देयर इज आउटपुट डिवाइस। Example of input device is your keyboard, mouse. Example of output device is printer, monitor, and CPU means this is central processing यूनिट। ओके, किसी भी प्रक्रिया में क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। एवरीवेयर देयर इज वन प्रोसेसर, वन इनपुट, वन आउटपुट। सपोज वी गो फॉर टेकिंग टिकट इन मॉल, इन एयरपोर्ट, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, एनीवेयर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अपना कुछ फॉर्म भर के देते हैं या कुछ उसको बताते हैं सामने वाले को, फिर वो कुछ प्रोसेसिंग करता है और फिर वो एक टिकट या कोई कूपन देता है। तो हम लोग जो अपना इनपुट दिए, जैसे नेम, एज वगैरह बताए, एड्रेस वगैरह बताए, फ़ोन नंबर, ये इनपुट हुआ। वो जो रिटर्न में हम लोग को दे रहा है कि आपका ये सीट नंबर है, ये सब आउटपुट हुआ। और जो पर्सन इटसेल्फ, पर्सन हिमसेल्फ इज प्रोसेसर हियर इन दिस एग्जाम्पल। तो एवरीवेयर देर इज वन इनपुट, वन प्रोसेसर, वन आउटपुट। कोई और भी आप फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल दिया जाता है, फिर वो पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनता है, तो फिनिश प्रोडक्ट उसका आउटपुट बनता है, रॉ मटेरियल इनपुट है, फैक्ट्री इटसेल्फ इज प्रोसेसिंग यूनिट। सो हियर आल्सो इन कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो लेट अस सी व्हाट इज विद इन सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज थ्री पार्ट्स। ये सीपीयू के अंदर के थ्री पार्ट्स हैं। सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ थ्री थिंग्स। वन इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, कंट्रोल यूनिट। Second is called arithmetic logic unit, that is in short ALU. ALU means arithmetic. Yes, arithmetic logical unit. So what do you mean by arithmetical logical unit? There are two types of operations. There are two types of operations. One is called arithmetic operation. Second is logical operation. Example of arithmetic operation is, suppose 2 plus 2, this is arithmetical operation. Logical operation, suppose you ask is 2 greater than 3, answer will be yes or no. तो जिसका answer yes या no में है उसको logical operation कहा जाता है। और arithmetical operation माने 2 plus 3, 2 plus 4, 2 into 3, etc. तो दो प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन।
ALU performs both the operations. That is why name is arithmetic logic unit. And third is registers. We will come on registers once again afterwards. But registers are very, very fast memories, but have very small size. Storage capacity of register is very, very small, but this is very fast in operation. And register is used to temporarily store or read and write data. जैसे कि हम लोग कुछ गुणा भाग कर रहे हैं तो हम लोग मन में याद रखते हैं कि इतना हुआ, तो एक तरह से रजिस्टर इज टेम्प्रोरी स्क्रैच पैड आप कह सकते हैं. तो CPU consists of these three units: control unit, arithmetic logic unit और आपके register. इतना मिला के आपका बनता है CPU. ये तीन मेन यूनिट्स हैं: control unit, ALU एंड registers. क्लियर? ठीक है. इनपुट डिवाइस CPU, आउटपुट डिवाइस. CPU के अंदर control unit इज जस्ट लाइक ब्रेन. जो वर्क हम लोग के ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का होता है, वही कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का होता है. कंट्रोल यूनिट गिव सिग्नल टू एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू. जैसे कि ब्रेन हम लोग के हाथ पैर सभी को सिग्नल देता है कि तुम ये काम करो, इतनी दूर आगे बढ़ो. फॉर एग्जांपल, वी हैव टू ड्रिंक टी, ड्रिंक वाटर. तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ आगे बढ़ाएंगे, फिर गिलास को हाथ में पकड़ेंगे, फिर उसको मुंह के पास लाएंगे. कितना हाथ को आगे बढ़ाना है, किस माने स्ट्रेंथ से गिलास को पकड़ना है, फिर कितना आगे लाना है, तो ये सब चीज़ अगर एकदम एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगी तो पता चला गिलास हाथ से गिर गया या गिलास टूट गया. सीढ़ी चढ़नी हम लोग को, तो हम लोग को कितना स्टेप लेना है, कितने हाइट पर अगला कदम रखना है, ये सब इतने छोटी छोटी चीज़ें हैं. लेकिन इस सब के पीछे ब्रेन का सिग्नल वर्क करता है और उसी में अगर गलती हुई तो आदमी गिर सकता है. तो आप समझ सकते हैं इम्पोर्टेंस ब्रेन का, और वही इम्पोर्टेंस है कंट्रोल यूनिट का. तो कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर, तीनों का मैंने बताया आपको वर्क. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू कवर इज मेमोरी हायरार्की. तो मेमोरी हायरार्की कितनी प्रकार की मेमोरीज हैं कंप्यूटर के अंदर और उनकी क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, क्या स्पीड है इत्यादि. तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि एक है रजिस्टर्स, जो कि आपको मैंने बताया था कि विद इन CPU होता है. रजिस्टर कहाँ होता है, विद इन CPU होता है.